हेलो फ्रेंड्स, यह ज्योति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज के इस प्रेगनेंसी वीडियो में हम बात करेंगे सर्दियों के मौसम में गर्भवती महिलाओं को सुबह उठकर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि उन्हें पूरे दिन एनर्जी मिले, उनके गर्भ में पल रहे शिशु को पोषक तत्व मिले, शिशु का सही से विकास हो सके और गर्भवती महिलाएँ सर्दियों की चपेट में आने से बची रहें। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड, सर्दी हो या गर्मी, गर्भवती महिलाओं को अपने खान पान का बहुत ही सावधानी पूर्वक ध्यान रखना पड़ता है। गर्मी के मौसम में उन्हें इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि वो कुछ ऐसी चीज़ न खा लें जिससे कि उन्हें या फिर उनके गर्भ में पल रहे शिशु को किसी प्रकार का कोई नुकसान हो या फिर उनकी प्रेगनेंसी खराब हो जाए। सर्दियों के मौसम में भी उन्हें इसी बात का ध्यान रखना होता है कि वो कुछ ऐसी ठंडी तासीर वाली चीज़ें ज़्यादा न खा लें जिससे कि वो सर्दियों के चपेट में आ जाए और उन्हें सर्दी खांसी जुकाम बुखार आदि हो जाए। तो सर्दी हो या गर्मी, उन्हें अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। इस वीडियो में हम जानेंगे सर्दियों के मौसम में सुबह उठते ही गर्भवती महिलाओं को ऐसा क्या खाना चाहिए जो सर्दियों में उनके और उनके गर्भ में पल रहे शिशु के लिए पोषक तत्वों से भरपूर हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो गर्भवती महिलाओं को चाहिए कि वो सुबह उठते ही सबसे पहले एक ग्लास गुनगुना पानी पिएं। गुनगुना पानी पीने से वो गैस, कब्ज, अपच की शिकायत से बची रहेंगी, उनका पेट साफ आएगा और दूसरा फायदा ये भी होगा कि गुनगुना पानी पीने से जल्दी प्यास खत्म नहीं होती है। तो ऐसे में गुनगुना पानी पीने के बाद आपको फिर थोड़ी देर के बाद पानी प्यास लगेगा। फिर अगर आप गुनगुना पानी पी लेती हैं तो इससे आपका प्यास थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगा, लेकिन फिर से थोड़ी देर के बाद आपको पानी प्यास लग जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि आप सर्दियों में भी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी पाएंगी जो कि प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल पीना चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी में पानी की कमी ना हो सके और आपकी नॉर्मल डिलीवरी में भी हेल्पफुल होती है। तो सुबह उठकर सबसे पहले एक गिलास गुनगुना पानी ही पिएं। दूसरा, सुबह उठकर आपको चाहिए कि आप फलों में सबसे पहले एक सेब खाएं और सेब खाने के करीब 15 से 20 मिनट बाद एक गिलास गुनगुना दूध पिएं। वैसे तो सेब खाने के बाद आप सिंपल दूध भी पी सकती हैं, लेकिन सर्दी का मौसम चल रहा है इसलिए ये बहुत ही अच्छा होता है कि आप सेब खाने के 15 से 20 मिनट बाद एक गिलास हल्के गुनगुने केसर वाले दूध पिएं या फिर हल्दी वाले दूध पिएं। हल्दी और केसर दोनों की तासीर काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है और साथ ही ये इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट की अच्छी मात्रा होती है। हल्दी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक औषधि का काम करता है जिससे कि प्रेग्नेंट महिलाएं प्रेगनेंसी में होने वाले हर प्रकार के संक्रमित रोगों से बची रहती हैं। साथ ही गर्भ में पलने वाला शिशु भी हर प्रकार के संक्रमित रोगों से बचा रहता है। इसके अलावा हल्दी वाले दूध या फिर केसर वाले दूध पीने से गर्भ में पल रहे बच्चे का स्किन गोरा होता है, गर्भवती महिलाओं के बॉडी में ऊर्जा का संचार होता है, वीकनेस कम होती है, मॉर्निंग सिकनेस कम होते हैं और मूड स्विंग की समस्या भी दूर होती है। और सबसे बड़ी बात, गर्भवती महिलाएं अक्सर सर्दियों में होने वाली बीमारी जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम से बची रहती हैं। इसके अलावा सर्दियों में हल्दी वाले दूध पीने से हाथ पैरों में दर्द, कमर में दर्द, पीठ में दर्द, जोड़ों में दर्द की शिकायतों से भी राहत मिलते हैं। दूसरा, प्रेग्नेंट वूमेन को चाहिए कि वो सुबह अपने डाइट में 1 से 2 बॉयल अंडे को जरूर शामिल करें। हालांकि आपको यहां लग रहा होगा कि अंडे की तासीर गर्म होती है और 1 से 2 बॉयल अंडा आपकी प्रेगनेंसी को नुकसान पहुंचा सकता है, तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सर्दी के मौसम में आप 1 से 2 बॉयल अंडे को आराम से पचा सकती हैं, वो भी बिना किसी नुकसान के। अगर सुबह सुबह प्रेग्नेंट वूमेन अपने ब्रेकफास्ट में 1 से 2 बॉयल अंडे खाते हैं तो इससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा फायदे होते हैं। एक तो प्रेगनेंसी में उनका वेट बढ़ता है, गर्भ में पल रहे शिशु का वेट बढ़ता है और दूसरा, गर्भ में पल रहे शिशु का स्किन भी गोरा होता है। तीसरी चीज़ जो सर्दियों के मौसम में गर्भवती महिलाओं को सुबह अपने ब्रेकफास्ट में जरूर शामिल करना चाहिए, वो है ग्रीन मिक्स्ड वेजिटेबल सूप। फ्रेंड, सर्दियों के मौसम में बहुत सारे हरी साग सब्जियां मार्केट में आते हैं और ये हरी साग सब्जियां आपकी प्रेगनेंसी के लिए, आपके गर्भ में पल रहे शिशु के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इन हरी साग सब्जियों से आपको तरह तरह के पोषक तत्व मिलते हैं जिससे गर्भ के भीतर आपके शिशु का ग्रोथ अच्छे से होता है, आपकी बॉडी में आयरन की कमी नहीं होती है, खून की कमी नहीं होती है, आपको फाइबर अच्छी मात्रा में मिलते हैं, विटामिन अच्छी मात्रा में मिलते हैं, प्रोटीन अच्छी मात्रा में मिलते हैं, आपका स्किन सही रहता है और आपकी इम्यून सिस्टम बूस्ट होती है। इसके अलावा इन हरी साग सब्जियों से आपको प्रेगनेंसी में और भी बहुत सारे पोषक तत्व मिलते हैं जो कि एक स्वस्थ प्रेगनेंसी और नॉर्मल डिलीवरी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप सुबह सुबह हर एक प्रकार की हरी सब्जियों को डालकर उसका सूप बनाकर उसे जरूर पिएं। चौथा चीज़ जो सर्दियों के मौसम में गर्भवती महिलाओं को सुबह उठते ही जरूर खाना चाहिए, वह है अंकुरित चने या फिर भीगे हुए चने के साथ गुड़ का सेवन।
अगर आप सुबह सबसे पहले अंकुरित चने के साथ या फिर भिगोए हुए चने के साथ गुड़ का सेवन करती हैं तो इससे आपको प्रेगनेंसी में फ़ायदे होते हैं। पहला तो आपका और आपके बेबी का वेट गेन तेज़ी से होता है, आपको कब्ज़ की शिकायत नहीं होती और गुड़ में आयरन की अच्छी मात्रा पाई जाती है जिसके वजह से आपके बॉडी में आयरन की कमी की भी पूर्ति होती है। साथ ही गुड़ की तासीर भी गर्म होती है जो आपको सर्दी लगने से बचाता है। पांचवी चीज़ जो सुबह सुबह सर्दियों के मौसम में गर्भवती महिलाओं को ज़रूर खाना चाहिए वो है ड्राई फ्रूट। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ड्राई फ्रूट्स की तासीर गर्म होती है और सर्दियों के मौसम में बॉडी में गर्माहट की ज़रूरत होती है जिससे कि गर्भवती महिलाओं को सर्दी जल्दी ना लग सके। इसके लिए गर्भवती महिलाओं को चाहिए कि वो सारे ड्राई फ्रूट्स को मिलाकर उसे एक मुट्ठी भर बना लें और रोज़ाना सुबह एक मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट्स का सेवन करें। फ्रेंड्स, सभी प्रकार के ड्राई फ्रूट्स में उनके अलग अलग ही गुण होते हैं और वो अलग अलग तरीके से आपके प्रेगनेंसी में आपको फ़ायदे पहुंचाते हैं, आपके गर्भ में पल रहे शिशु को फ़ायदे पहुंचाते हैं, शिशु के शारीरिक मानसिक विकास में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, इससे शिशु का विकास तेज़ी से होता है, ब्रेन डेवलपमेंट तेज़ी से होता है और उसका ग्रोथ अच्छे से होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, छठा है, आप ड्राई फ्रूट्स का सेवन एक गिलास दूध के साथ भी कर सकती हैं, यानी आप सुबह सुबह ड्राई फ्रूट्स खाकर एक गिलास सिंपल दूध भी पी सकती हैं। लेकिन सर्दियों के मौसम में गर्भवती महिलाओं के लिए ड्राई फ्रूट्स वाले दूध खाने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि वो एक गिलास दूध में 3 खजूर काट कर डाल दें, 3 बादाम काट कर डाल दें और अपने मीठे के अनुसार 1/2 से 1 चम्मच चीनी डाल दें और वो उस दूध को 2 उबाल आने तक गर्म करें। जब दूध में 2 उबाल आ जाए तो उसमें 2 से 3 केसर के तारे डाल दें और अगर केसर उपलब्ध ना हो तो 1 चुटकी हल्दी डाल दें और फिर उसे 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से खौला लें और फिर उसे गुनगुना पिएं। ऐसी गर्भवती महिलाएं जिन्हें दूध पीना पसंद नहीं है तो वो खजूर और बादाम वाले दूध को खौला कर गाढ़ा कर लें और फिर उसे हल्का गुनगुना ही खाएं। और फिर इसी तरह से आप रोज़ाना ड्राई फ्रूट्स को चेंज करके दूध में डालकर खा सकती हैं या फिर पी सकती हैं। ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सर्दियों के मौसम में आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही पौष्टिक, बहुत ही हेल्दी डाइट होता है। इससे आपको वीकनेस फील नहीं होगी, आपको कमजोरी नहीं होगी, आपकी स्किन अच्छी होगी, आपके शिशु की स्किन अच्छी होगी, आपके चेहरे पर चमक आएंगे, आप सर्दी जुकाम से बची रहेंगी, पूरे दिन अपने आप को एनर्जी से भरा महसूस करेंगी, साथ ही आपका इम्यून सिस्टम भी बूस्ट होगा। बस आप यहाँ इस बात का ख्याल रखें कि ड्राई फ्रूट्स, हल्दी की तासीर और केसर की तासीर, तीनों की तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो इसलिए जब आप अपने लिए केसर वाला दूध बनाएं तो उसमें ड्राई फ्रूट्स, केसर और हल्दी की मात्रा का खास ख्याल रखें ताकि इससे सर्दियों के मौसम में आपको सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हों और नुकसान किसी प्रकार का कोई भी ना हो। सातवीं चीज़ जो गर्भवती महिलाओं को सर्दियों के मौसम में सुबह उठकर जरूर खाना चाहिए वो है गाजर का हलवा या फिर गाजर का जूस। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप सुबह नाश्ते में एक छोटी कटोरी घी वाले गाजर का हलवा खाती हैं तो ये आपके लिए और आपके गर्भ में पल रहे शिशु के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलते हैं, आपके बॉडी में खून की कमी की पूर्ति होती है, आपका स्किन अच्छा होता है, गर्भ में पल रहे शिशु का स्किन अच्छा होता है, गोरा होता है, शिशु की आँख की रोशनी तेज होती है, उसकी हड्डियाँ मजबूत होती है। गाजर के जूस या फिर हलवे में बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके और आपके गर्भ में पल रहे शिशु के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, इसलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गाजर के जूस या फिर हलवे का सेवन ज़रूर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बताई गई चीज़ें सर्दियों के मौसम में आपके और आपके गर्भ में पल रहे शिशु के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है, इसलिए सर्दियों के मौसम में आप इनका सेवन ज़रूर करें। लेकिन अगर आप यहाँ ये सोच रही हैं कि इतने सारे चीज़ आप सुबह एक साथ कैसे खाएंगी या फिर सुबह कितने कितने देर पर आप इन सब चीज़ों को खाएंगी, तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आपको सुबह नाश्ते में एक साथ नहीं खाने हैं, आपको इन सभी चीज़ों को रोज़ाना सुबह नाश्ते में बदल बदल कर खाने हैं जिससे कि आपके गर्भ में पल रहे शिशु तक हर एक प्रकार का पोषक तत्व पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बताई गई चीज़ें आप सर्दियों के मौसम में ज़रूर खाएं और ख़ास करके सुबह सुबह ही खाएं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए प्रेगनेंसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।